से सीखने के कुछ नियम। जैसा कि आपको इस टाइटल से पता पड़ गया होगा कि इस वीडियो में कुछ ऐसे नियमों की चर्चा होने जा रही है जो एक स्टूडेंट को फॉलो करने होंगे, तभी वो जाके संगीत प्रवाह वर्ड से प्रॉपरली सीख पाएगा। और जो हम उसको विजन दिखाते हैं कि किस प्रकार का हम उसे सिंगर बनाना चाहते हैं या म्यूजिशियन जिस भी फील्ड में वो है, तभी वो बन पाएगा। पहला नियम तो आप इस चीज़ को ये जान लीजिए कि अगर आप कहीं और सीख रहे हैं और संगीत प्रवाह वर्ल्ड को सिर्फ एज अ टिप्स के लिए कंसिडर करते हैं तो ये गलतफहमी है आपकी कि आप हमसे जुड़े हैं और संगीत प्रवाह वर्ल्ड इसके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमें सवाल करें। मैं यहाँ बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं होना चाहूँगा, बिल्कुल भी मेरा रूड बिहेवियर नहीं बताना चाहूँगा कि मैं नाराज़ हूँ किसी स्टूडेंट से, ऐसा कुछ। बस ये मैं एक थोड़ा सा, मुझे व्यूअर्स से पता पड़ा और काफ़ी सारे जो हमारे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमसे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारा सिलेबस भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो जनरली हमारा जो सिलेबस है उसको फॉलो ना करते हुए हमें कहीं और सीख रहे हैं, कोई दूसरा रियाज करते हैं, कुछ भी उनको संगीत में समस्या आती है वो हमसे पूछते हैं। बेझिझक पूछिए, संगीत प्रवाह वर्ल्ड निःशुल्क आपको संगीत सिखा रहा है। लेकिन एक सच्ची राह, सीधी राह जो संगीत तक है, वो आपको पता होना चाहिए कि असली संगीत क्या है और क्या ग्रामर है। तो कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, और अगर आप हमसे संगीत प्रवाह वर्ल्ड से व्हाट्सएप पे अगर जुड़ते भी हैं 9828479211, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप हमसे जुड़ते भी हैं तो भी आपको वही लिंक्स दिए जाएंगे। कई बार वीडियोस में बता चुके हैं, फिर से कहेंगे कि संगीत प्रवाह वर्ल्ड से सीखने का, ऑनलाइन सीखने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है यूट्यूब वीडियोस। हम बिल्कुल भी व्यूज़ कमाने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी इस चीज़ से भलीभांति परिचित होंगे कि इंडिया में इसका रेवेन्यू जो है वो इतना कुछ खास ज़्यादा मिलता नहीं है। तो अगर उससे आप हमारे वीडियोज़ को कंपेयर करें कि हमारे वीडियोज़ रेवेन्यू कमाने के लिए, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि लगभग 2000 से हमारे ऊपर वीडियोज़ हैं और जो हमारा कंटेंट है, जो कंटेंट है यानी हम संगीत सिखा रहे हैं निशुल्क, वो कोई 5 मिनट या 10 मिनट में हम आपको कोई चीज़ रटवा नहीं रहे, पूरी क्लास है जो आपके YouTube पे अवेलेबल है, तो उसकी तो कोई खैर कीमत नहीं लगा सकता। और आप ही लोगों के व्यूज से ही हमें पता पड़ता है, हम हमारी बढ़ाई नहीं करेंगे। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि संगीत प्रवाह वर्ल्ड से जो भी जुड़े उसे पता हो कि उसे कैसे सीखना है और क्या सीखना है। सिलेबस की जहां तक मैं बात करूं तो ये बड़ी ही विडंबना वाली बात है, या कहें बड़ी आश्चर्य की बात है, इसे हमारा घमंड ना समझें, लेकिन संगीत प्रवाह वर्ल्ड जैसा सिलेबस इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। संगीत प्रवाह वर्ल्ड का जो सिलेबस है, यानी कि जो हमने व्याकरण बनाया है, या कहें कि हमने जमाया है, बनाया तो खैर क्या है, ऑलरेडी म्यूजिक की किताबों में ये दे रखा है, लेकिन उसका जो ऑर्डर है और कई बातों पर ज़्यादा एम्फेसाइज, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया है और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ गए हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो तुरंत, या तो आपको, क्योंकि आप भी बड़ी जल्दी में हैं, आपको भी सीखना है तो तुरंत सा आपको ऐसा कुछ आ जाना चाहिए जिससे लगे कि हाँ हम संगीत सीख रहे हैं। या तो आप गाने जा रहे हैं तो फटाफट से 5-6 दिनों में ही आप कुछ गाने लग जाएं, या बजाने जा रहे हैं तो कुछ ही दिनों में आप कुछ अच्छा सा बजा रहे हैं या नाच रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि जो व्याकरण है उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और यही एक पॉइंट हमने पकड़ा है जिसको लेके हमारा चैनल डेवलप्ड है और हम संगीत सिखा रहे हैं उसी पॉइंट को लेके, वो है स्वर, लय, ताल। ये 3 बेसिक चीज़ें जो संगीत की होती हैं उनको ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जिनमें से भी सबसे पहले लय पर आपको ध्यान देना चाहिए। खैर, मैं जो बात अभी करने जा रहा हूँ, ये सारी बातें तो कई वीडियोज में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मेन टॉपिक मेरा यही है कि मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या नियम हैं जो आपको संगीत प्रवाह वर्ल्ड से जुड़ने से पहले फॉलो करने होंगे। पहला तो आपको मैंने बताई दिया, ये जान लें कि वीडियोस के अलावा और कोई माध्यम नहीं है जिससे हम सिखा सकें, तो जो भी हम वीडियो देते हैं उसे पूरी ईमानदारी से देखें और उसमें जैसा बताया गया है वैसा अभ्यास करें। दूसरा कि सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, और कोई जरिया नहीं है, ना ऑनलाइन स्काइप हो सकता है, ना वीडियो कॉलिंग, और कोई फीचर यहाँ काम नहीं करेगा, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू यूट्यूब के लिंक्स दिए जाएंगे, उन्हें ही आपको फॉलो करना है। और जो जो नियम संगीत प्रवाह वर्ल्ड ने बनाए हैं उनको फॉलो करिए। रियाज है, मॉर्निंग वोकल रियाज है, अगर मॉर्निंग में होना चाहिए तो सिर्फ मॉर्निंग में होगा, उसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, शाम में, दिन में कभी नहीं।
रियाज और अभ्यास में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रियाज यानी गले की एक्सरसाइजेज हैं और अभ्यास यानी आपका हारमोनियम का कोर्स है या ग्रामर का जो भी कोर्स है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज ना हूँ। कई स्टूडेंट्स अभी भी कहते हैं कि हम दिन में रियाज कर रहे हैं, आपका रियाज बराबर करते हैं, तो वो रियाज नहीं, अभ्यास है अलंकारों का। तो दूसरा जो मैंने आपको बताया नियम वो यही था कि आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। तो मैं जो बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ते हैं तो आपको जो लिंक्स मिलते हैं उनमें सबसे पहले हमने कई बार अभी हमारे लेटेस्ट वीडियोस में क्लियर किया है कि स्वर लय ताल में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लय की है। ग्रामर सीखने से पहले, हारमोनियम को हाथ भी लगाने से पहले आपको लय का ज्ञान आवश्यक है। अगर आपको लय का ज्ञान नहीं है तो आप हारमोनियम का सा भी लगाते हैं अगर हारमोनियम पर, तो वो गलत ही लगता है, क्योंकि संगीत में यही तीन चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी में मदद करती हैं और यही चीज़ें हैं जो आपको संगीत पहचानने में मदद करती हैं। आप कोई गाना गा सकते हैं लेकिन सही से नहीं गाता है, लय टूट जाती है, स्वर बिखर जाते हैं, तो उसका यही इलाज है। अगर आप पहला दिन है आपका संगीत का सीखने का, या भले ही आप पहले कहीं सीखे हुए हैं, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे मैंने बताया हमारा सिलेबस पूरी दुनिया से अलग है, तो आप कहीं भी सीखे हुए हों ये चीज़ें आपने नहीं करी होंगी, क्योंकि ये सिलेबस एकदम आपके लिए नया है। और वो सिलेबस है सबसे पहले लय का ज्ञान, जिसमें आपको क्या क्या करना है वो आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। अभी मैं आपको एक वीडियो का पाथ बताऊंगा कि कैसे आप उस वीडियो को सर्च करें जो आपका पहला लेसन होना चाहिए। उसके बाद आपको उस लेसन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता पड़ेगा, उसके बाद आपको हारमोनियम को हाथ लगाना है। तो फर्स्ट डे संगीत प्रवाह वर्ड से जुड़ने पर आपको व्याकरण का अभ्यास करना है जितना हो सके, उसका कोई समय निश्चित नहीं है कि सुबह या दिन में, व्याकरण का अभ्यास पूरे दिन हो सकता है, जितना आप हर पल उसको करें तो जल्दी से जल्दी आप सीख पाएंगे, तभी आप जल्दी सीख पाएंगे, और कोई उपाय नहीं। और दूसरा रियाज, वो भी क्या होगा, वो भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगा, उसका भी अभी मैं पाथ आपको बताऊंगा कि वो वीडियो कैसे ढूंढा जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको शुरुआत करनी है पहले दिन से, भले ही आप कहीं सीखे हुए हैं या नहीं सीखे हुए हैं, यही दो चीज़ें हैं जो आपकी हर समस्या का हल है, अगर आप व्हाट्सएप से भी जुड़ें या फिर हमसे अभी लाइव भी इस वीडियो के थ्रू भी आप उस चीज़ को पता करें। तो आइए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि आपको कौन सा वीडियो सबसे पहले देखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये संगीत प्रवाह वर्ल्ड का चैनल है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कौन सा वीडियो है वो जिससे आप शुरुआत करेंगे। संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल पे आपको सबसे पहले जाना है, ये वीडियो है लय ताल सीखने का सबसे आसान तरीका, हाउ टू प्रैक्टिस लय ताल फर्स्ट लेसन ऑफ म्यूजिक। ये एपिसोड अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले लय और ताल का ज्ञान है। उसके बाद ये वीडियो है हारमोनियम पर अलंकार विभिन्न लयों में बजाना। ये दो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे जिनको आपको समझना होगा। फिर ये मॉर्निंग वोकल रियाज का है, इन तीनों का लिंक आपको व्हाट्सएप पर सबसे पहले दिया जाएगा। अगर आप इन तीन का अभ्यास अच्छे से करें, जैसे कि रियाज में तो आपको शुरुआत कैसे कैसे करनी होगी वो आपको समझ आ जाएगा, और ये सबसे पहले करना होगा, तभी जाके आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें से सीखना प्रारंभ कर सकेंगे।